Yeah. शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग सबसे पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का, जिसमें आपको फुल डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा द हिंदू न्यूज़पेपर का। और एक्चुअली ये वीडियो पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर करेगा एंड मोस्ट मतलब जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स मैंने नोट किए होंगे मैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो आज से हर रोज़ हिंदू न्यूज़पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला जाएगा। तो ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स हु वांट टू क्लियर यूपीएससी एग्ज़ाम्स, तो और अगर आपके पास द न्यूज़पेपर जो है पढ़ने का टाइम नहीं है और मीन्स एक तरह से ज़रिया नहीं है, तो यू कैन वॉच माई वीडियोज़ और पूरी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस की गई है इन सारे वीडियोज़ में। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड स्टे ट्यून्ड टू द लास्ट सेकेंड ऑफ द वीडियो। तो यार शुरू करते हैं एंड स्पिरिट बढ़ा के रखो अपने लिए। तो यार शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, तो आज कल का वीडियो मैं आज से शुरू कर रही हूँ। तो आज 5 सितंबर का जो द हिंदू में जितने भी डिटेल एनालिसिस एंड न्यूज़ दिए गए थे उनका आज चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं। जो सबसे फर्स्ट पेज पर आया था वो था इंडिया रशिया अगेंस्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंस इन इंटरनल इश्यूज। आप लोग जानते हो कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी रशिया पे गए हुए हैं, रशिया टूर पे। तो वहाँ पे जो उनका वार्तालाप हो रहा है वो चीज़ कल के न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। तो मेन पॉइंट्स जो कल के न्यूज़पेपर में उस टॉपिक के बारे में था वो था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है पहले पीएम रह चुके हैं, पहले पीएम हैं जो रशिया के फार ईस्ट रीजन में मींस टूर कर रहे हो, विजिट कर रहे हो उस रीजन को। फिर आता है कि इंडिया और रशिया दोनों आउटसाइड इन्फ्लुएंस के खिलाफ हैं जिस भी किसी नेशन का इंटरनल मैटर्स होता है। यहाँ पर मेनली जो रशिया है वो मेनली जो एब्रोगेशन हुआ था आर्टिकल 370 का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, उस पर पाकिस्तान के तरफ से जो दबाव आ रहा है कि नहीं हम ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाएंगे, उस चीज़ को लेकर रशियन प्राइम मिनिस्टर ने एक्चुअली रशियन प्रेसिडेंट ने ये बताया कि ये एक कंट्री का इंटरनल मैटर है, आउटसाइडर्स को इसमें अपना इन्फ्लुएंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया और रशिया दोनों एक चीज़ पर आकर सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं जो कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस पर है, और ये इंटरनल मैटर्स को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई भी नेशन का जो इंटरनल मैटर होता है वो नेशन खुद सॉल्व करेगा, दूसरे कंट्री आके इंटरफेयर उसमें ना करें। उसके बाद आता है एम्ड एट फाइंडिंग बायलैटरल कोऑपरेशन इन एरियाज लाइक ट्रेड, डिफेंस, स्पेस, ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी। ये सारे चीज़ों पे उन्होंने बायलैटरल ट्रेड को भी बढ़ावा दिया था इंडिया और रशिया के बीच में। तो ये एक पूरा पॉइंट मैंने उठाया है फर्स्ट पेज से। उसके बाद फर्स्ट पेज पे ही दूसरा भी टॉपिक था गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अगर आपने स्पीच देखा होगा तो उस स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने एक रिफॉर्म लाने की बात कही थी 2 अक्टूबर को, वो था प्लास्टिक को बैन करने का पूरे कंट्री से। तो उस चीज़ को लेकर इसमें एक न्यूज़ आया था, गवर्नमेंट टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स टू कट यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स को ख़त्म करने का। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको वो बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, तो द यूनियन गवर्नमेंट इज़ वर्किंग
on a multi-ministerial plan to discourage the use of single-use plastic on October 2, ठीक है? ये 2 अक्टूबर को उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि 2 अक्टूबर को जैसे उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था उसी तरह वो प्लास्टिक को भी बैन करने के लिए कुछ वैसा प्लान लाएंगे 2 अक्टूबर को. फिर था द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द स्कीम वुड बी द नोडल मिनिस्ट्री से यहाँ पर क्या मतलब है कि इस स्कीम में कौन कौन डिपार्टमेंट या मिनिस्टर्स हेल्प करने वाले हैं इसको कंप्लीट करने में. तो नोडल मिनिस्ट्रीज जो इस स्कीम में हेल्प करेंगे वो होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो ये मिनिस्ट्री इसमें अपना मेजर रोल प्ले करेगी. फिर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन इज टू इंश्योर दैट ऑल सीमेंट फैक्ट्रीज यूज प्लास्टिक एज फ्यूल. और भी जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज होंगी वो प्रमोट करेंगी कि जो सारे सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वो प्लास्टिक को एक फ्यूल की तरह यूज़ करें. ओके. ऑल्सो ऑल कलेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट इज यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन. रोड्स कंस्ट्रक्टेड यूजिंग वाटर प्लास्टिक आर ड्यूरेबल अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड आर ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव. तो मीन्स नए प्लान्स ला रही है हमारी गवर्नमेंट और उसे अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए और उसको बढ़ावा दे रही है ताकि नए इनोवेशंस अपने कंट्री यूज़ कर सके और मीन्स वो चीज़ ख़राब भी ना हो और हमारे एनवायरनमेंट को भी वेस्ट ना करे. देन इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव. अगला द रेलवे मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज मैसिव श्रमदान्स. ये कोई वॉलेंट्री वर्क है जो रेलवे मिनिस्ट्री अक्टूबर 2 को इनिशिएट करेगी ऑर्गेनाइज करेगी फॉर कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एट रेलवे स्टेशंस एंड अलोंग रेल ट्रैक्स. तो रेलवे मिनिस्ट्री अपना इस तरीके से इस स्कीम के लिए योगदान दे रही है श्रमदान करवा के. ओके. तो मीन्स इस स्कीम से हमें पता चला कि कौन कौन नोडल मिनिस्ट्री एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं स्कीम के लिए. वो हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, देन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड थर्ड वन इज द रेलवे मिनिस्ट्री. तो ये पूरा एक अक्टूबर 2 को जो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो चीज़ होने वाला है उसके लिए एक डिटेल एनालिसिस मैंने दिया आपको. अगला लाइफ सेक्शन से तो मैं बता दूँ अगर किसी ने नोटिस नहीं किया तो द हिंदू न्यूज़पेपर पे सेक्शन वाइज न्यूज़ आती है. हर सेक्शन से अलग अलग न्यूज़ होती है. तो लाइफ सेक्शन एक होता है हिंदू न्यूज़पेपर में, वहाँ से इंटरेस्टिंग न्यूज़ आती हैं. तो अब उनके न्यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ. सबसे पहला है इस टॉपिक पर रोहित बैट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ राइनोज. ओके. तो इसमें 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है. ओके. वो आप नोट करना. रोहित शर्मा जो वाइस कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के, वो लॉन्च कर रहे हैं रोहित फॉर राइनोज कैंपेन. तो ये एक पॉइंट आपको मिला कि रोहित शर्मा रोहित फॉर राइनोज कैंपेन मीन्स लॉन्च कर रहे हैं. पार्टनरशिप किन के साथ कर रहे हैं वो, ठीक है? पार्टनरशिप उनका WWF इंडिया और एनिमल प्लैनेट के साथ ये पार्टनरशिप करके ये कैंपेन वो लॉन्च कर रहे हैं. ओके. ये कैंपेन लॉन्च क्यों हो रहा है? टू इम्प्रूव अवेयरनेस ऑन राइनो कंजर्वेशन. तो राइनोज के कंजर्वेशन के लिए रोहित शर्मा ने ये इनिशिएटिव लिया है. तो इस टॉपिक से हमें 3 पॉइंट मिला, रोहित फॉर राइनोज कैंपेन, सेकेंड वन इज इन पार्टनरशिप विद WWF इंडिया एंड एनिमल प्लैनेट, एंड द थर्ड वन इज टू इम्प्रूव अवेयरनेस ऑन राइनो कंजर्वेशन. तो इस टॉपिक से हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ. अगला इन्फॉर्मेशन बहुत ही अलग टाइप का है और मुझे ये बहुत पसंद आया था. इसमें टॉपिक गोज लाइक दिस, चाइना शॉपर्स अडॉप्ट फेशियल पेमेंट्स. तो चाइना में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आया है कि आपको कैश नहीं ले जाने का ज़रूरत पड़ेगा, कोई कार्ड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा,
कोई वॉलेट का जरूरत नहीं, कोई स्मार्टफोन का जरूरत नहीं, सिर्फ आपका फेस ही आपका मींस हर चीज के लिए अवेलेबल होगा। आप उसी से पेमेंट करोगे सारे चीजों के लिए। तो ऐसे आता है ये, चाइनाज शॉपर्स आर इंक्रीजिंगली परचेजिंग गुड्स विथ जस्ट अ टर्न ऑफ देयर हेड्स एज द कंट्री एम्ब्रेसेस फेशियल पेमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चाइना का ये है। उसके बाद है चाइना का मोबाइल का जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है वर्ल्ड में। ओके, ये एक पॉइंट आता है आपके लिए, चाइनाज का जो मोबाइल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद अगला पॉइंट है इसके लिए, कस्टमर्स लिंक एन इमेज ऑफ देयर फेस टू अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम और बैंक अकाउंट बाय सिंपली पोजिंग इन फ्रंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। ये एक तरह का मशीन्स जो होता है वही फेशियल पेमेंट लेते हैं, इक्विप्ड विथ कैमरास। ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट इसमें आया था अलीपे, द फाइनेंशियल आर्म ऑफ ई कॉमर्स जायंट अलीबाबा हैज बीन लीडिंग द चार्ज इन चाइना विद डिवाइसेस ऑलरेडी इन 100 सिटीज। तो मींस ये सारा जो फाइनेंशियल आर्म जो है चाइना का वो अलीपे देखता है वहाँ का सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्यों, वाई इट इज़ वाइडली यूज्ड है, इसका भी रीज़न हमें जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसका रीजन्स ये है, टू मॉनिटर सिटीजन्स क्रेडिटेड विद नैबिंग जे वॉकर्स एंड कैचिंग क्रिमिनल्स। तो ये क्रिमिनल को पकड़ने के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनाई है। अगला है, स्टेट कुड यूज दिस डेटा फॉर देयर ओन पर्पसेस सच एज सर्वेलेंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, ट्रैकिंग ऑफ पॉलिटिकल डिसिडेंट्स के लिए, सोशल एंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल के लिए एंड एथनिक प्रोफाइलिंग के लिए। तो ये पूरा चाइना का फेशियल पेमेंट पर न्यूज़ था। यार यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना पॉइंट नोट डाउन कर लो। ठीक है, आराम से नोट डाउन कर लो, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला न्यूज़ पे मैं जाती हूँ, वियना। ये सारे लाइफ से रिलेटेड है। अगला न्यूज़ जो है वो है वियना, जो मींस ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, वो मोस्ट लाइवेबल सिटी के लिए क्राउन किया गया है। तो इसका पॉइंट्स आप देख लो, कैसे पॉइंट किया गया, कैसे है वो बना। ठीक है, ऑस्ट्रियाज कैपिटल वियना हैज रिटेन्ड इट्स रैंकिंग एज द वर्ल्ड्स मोस्ट लाइवेबल सिटी। वियना वंस अगेन केम अहेड ऑफ मेलबॉर्न विच हैड हेल्ड द टॉप रैंकिंग फॉर 7 ईयर। मेलबॉर्न को ये पीछे छोड़ गया है। तो द टॉप टू सिटीज वर फॉलोड बाय सिडनी, ओसाका एंड कैलगरी। ठीक है, ये 5 सिटीज जो थे टॉप पर थे। अगला, इसका स्कोरिंग कैसे होता है? तो द स्कोरिंग इज गिवन आउट ऑफ 100 ऑन अ रेंज ऑफ फैक्टर्स सच एज लिविंग स्टैंडर्ड्स, क्राइम, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एज वेल एज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पे सिटी को स्कोरिंग दिया गया था आउट ऑफ 100। वियना नोन फॉर इट्स कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये एक जनरल नॉलेज की चीज़ है, रिफ्रेशिंग अल्पाइन टैप वाटर एंड वेरिड कल्चरल लाइफ। ठीक है, तो वियना को किस चीज़ के लिए जाना जाता है, वो है कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए और रिफ्रेशिंग अल्पाइन टैप वाटर और वेरिड कल्चरल लाइफ के लिए। यूरोप जो है क्लेम्ड 8 ऑफ द टॉप 20, मतलब टॉप 20 में यूरोप के सबसे ज़्यादा सिटीज़ थे, कंट्रीज थे, विथ सिटीज़ इन जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कैनेडा मेकिंग अप द रेस्ट। ठीक है, ये सब बाकी है। न्यू दिल्ली का जो पोजीशन था वो शिफ्ट हो गया था 118th रैंक। ठीक है,
और वो भी मेनली ड्यू टू द पुअर एयर क्वालिटी, अनडिजायरेबल एवरेज टेम्परेचर एंड इनएडिक्वेट वाटर प्रोविजन के लिए. द लीस्ट लाइवेबल सिटीज वर कराची, ट्राइपोली, ढाका, लागोस एंड एट द वेरी बॉटम डमास्कस. तो ये पूरा चीज़ आया है सामने मोस्ट लाइवेबल सिटी के नाम पर. अगला चीज़ है स्पोर्ट्स सेक्शन से. ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन में अभी टेनिस का US ओपन टूर्नामेंट चल रहा है. जैसे ही कुछ अलग टाइप का न्यूज़ आएगा मैं डिलीवर कर दूंगी. अभी बस इतना जान लो कि अभी US ओपन टूर्नामेंट टेनिस का चल रहा है. नाउ अगला जो टॉपिक है वो है ऑफिशियल एम्ब्लम ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 was unveiled in Doha on Tuesday. The emblem was projected onto a number of iconic buildings in Qatar, like the Al Zubarah Fort, a UNESCO World Heritage Site, and on dozen of outdoor billboards. तो FIFA का official जो emblem है वो आ चुका है Qatar में. वो Qatar में होने वाला है अगला FIFA का World Cup. So we will be waiting for you FIFA. Okay. अगला चलते हैं. आर अश्विन जो थे वो अब दिल्ली कैपिटल्स ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट एडिशन में IPL के लिए. बस इतना पता है किंग्स 11 पंजाब को वो छोड़ रहे हैं. नाउ समथिंग डिफरेंट, मिसबाह उल हक हैज़ नाउ बिकम पाकिस्तान्स हेड कोच ऑन अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट विथ वकर यूनिस एज द टीम्स न्यू बॉलिंग कोच. तो टीम पाकिस्तान का के कोच बदल दिए गए हैं एंड नाउ दे आर डिफरेंट. यू नो द नेम मिसबाह उल हक एंड वकर यूनिस एज द टीम्स बॉलिंग कोच. एक और चीज़ बता दूँ, बस ये एवी है. सेप्टेम्बर को दिल्ली NCR में बटरफ्लाई मंथ सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये कुछ नया डिफरेंट था. सो आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा. अब बिजनेस सेक्शन से टॉप न्यूज़ जो है वो है इंडिया जो है अब अमंग टॉप 10 नेशंस इन गोल्ड रिजर्व्स. ठीक है, इंडिया अपना टॉप 10 नेशंस गोल्ड रिजर्व्स के लिए अपना एक जगह बनाया है. इट हैज पाइप्ड द नीदरलैंड्स टू मूव इनटू द लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ टोटल गोल्ड रिजर्व्स. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया हैज गोल्ड रिजर्व्स टोटलिंग 618.2 टन्स विच is marginally higher than the Netherlands reserves of 612.5 tons. ठीक है, तो ये बिजनेस न्यूज़ से था. बिजनेस में कुछ खास नहीं था. अब सीधे न्यूज़ पे आती हूँ जो कि कॉमन न्यूज़ है. कुमारी सेलजा वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी. मतलब हरियाणा स्टेट को कांग्रेस के तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रही है वो है कुमारी सेलजा. ओके, ये एक नया नाम आया है. इसके साथ साथ आप लोगों ने अगर सुना हो कि कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर साहब का कुछ चल रहा है. एक्चुअली लेट मी सी वंस, मैं आपको सही सही बता दूं कि शिकर करना तो DK शिव कुमार जो हमारा कांग्रेस के जो एक लीडर रह चुके हैं, तो उनके अरेस्ट के लिए डिस्प्यूट में एक न्यूज़ आई हुई थी. उसमें से मुझे दो टर्म्स मिले हैं जो आप भी जान लो, आपके यूज़ में आ सकता है वो. द फर्स्ट वन इज वेंदता पॉलिटिक्स. ये क्या होता है, अ सीरियस आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल और ग्रुप विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, आप नोट करके रखना अगर आपको जानने का मन कर रहा हो तो. और एक प्लाइंट मीडिया, ईजली बेंट और ईजली इन्फ्लुएंस्ड और डायरेक्टेड. मतलब दीज टू टर्म्स जो थे ना आर रिलेटेड टू कांग्रेस प्रेसिडेंट अरेस्ट ऑफ कर्नाटका कांग्रेस लीडर
डी के शिव कुमार इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, ठीक है, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस का FIR दर्ज हुआ था और उनके अरेस्ट के नाम पर ये दो टर्म्स सामने आए थे पेपर में. दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. अब कुछ अलग, दिल्ली में 33 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली साइकिल वॉक कॉरिडोर प्रपोज किया गया है और इन अ बिड टू शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीनर मोबिलिटी अ 33 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर कॉल्ड द दिल्ली साइकिल वॉक विथ 4 कॉरिडोर्स कनेक्टिंग तुगलकाबाद, ग्रेटर कैलाश, नेहरू प्लेस एंड द दिल्ली सेक्रेटेरिएट इज बीइंग प्लान्ड. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस व्हीकल्स ऑन द दिल्ली रोड्स एंड अलाउ पीपल टू वॉक एंड साइकिल सेफली टू वर्क, टू स्टडी, टू शॉप एंड स्टे फिट. ठीक है, इट विल बी अ सेफर ऑल्टरनेटिव दैट वुड रिड्यूस व्हीक्यूलर लोड ऑफ द सिटी, प्रोवाइड लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कनेक्ट रेसिडेंशियल एरियाज विद मेट्रो स्टेशंस एंड बस स्टैंड्स. तो ये पूरा एक दिल्ली साइकिल वॉक कॉरिडोर प्रपोज किया गया है बनाने के लिए, जो कि 33 किलोमीटर लॉन्ग होगा. ओके, समथिंग न्यू. नाउ साउथ से एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया है, थोड़ा डेवलपिंग टाइप न्यूज़. ये स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं फाइनल ईयर में. तो उन्होंने क्या किया है, स्टूडेंट्स डेवलप मशीन टू पेंट हाई राइजेस से मेरा मतलब है, जो पॉइंट्स है वो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगे. साइट ऑफ अ लेबरर पेंटिंग अ हाई राइज प्रीकॉशियसली बैलेंसिंग हिमसेल्फ विदाउट एनी सेफ्टी मेजर्स दैट सेट हरि कृष्णन जयाचंद्रन थिंकिंग. ओके, ये वो लड़की का नाम है जो इंजीनियरिंग फाइनल ईयर कर रही हैं. द गर्ल इज अ फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट अमृता इंजीनियरिंग कॉलेज अमृतापुरी. She did some research and found that the workers are in a high risk category since they are exposed to toxic chemicals and lead in paint which lead to long term diseases like cancer. Okay, so they created ValveBot, the prototype of a machine to paint high rises without human involvement. मतलब उन्होंने एक मशीन क्रिएट किया जिसका नाम उन्होंने दिया ValveBot. ठीक है, ये मेन पॉइंट है यहाँ का. दे हैड क्रिएटेड अ 3D एनिमेटेड मॉडल ऑफ अ रोबोट दैट कुड पेंट द वॉल्स. ओके, दे न्यू दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिंग टेक्निक्स वर व्हाट वी वांटेड टू क्रिएट द डिज़ाइन. तो ऊपर के वॉल्स को पेंट करने के लिए उन्होंने ये आविष्कार बनाया है और जिस मशीन का नाम है ValveBot. ठीक है, और ये 3D एनिमेशन रोबोटिक टेक्निक से बनाया गया है. नाउ वी आर कमिंग एट द लास्ट एज ऑफ द वीडियो. इसमें जो बच्चे मीन्स जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं अपने UPSC प्रीलिम्स UPSC मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर, उनके लिए ये एक न्यूज़ हो सकता है. मोदी टू लॉन्च ड्राइव टू प्रमोट आर्टिफिशियल ब्रीडिंग. ठीक है, तो PM नरेंद्र मोदी इज सेट टू लॉन्च ऑन सितंबर 11 अ मेजर 6-month ड्राइव टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन कैटल इन 600 डिस्ट्रिक्ट्स विच have less than 50% coverage of the technology. So I think so this is something a news for the agricultural optional subject students. Nationally it is used for 30% only, though some states such as Kerala and Tamil Nadu use artificial insemination rates
फॉर मोर देन 70%। मतलब केरला और तमिलनाडु में ये सब बहुत मीन्स ये सब चलते हैं, और बाकी के जगह को मोटिवेट करने के लिए वो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी ला रहे हैं 11 September को, मीन्स आर्टिफिशियल ब्रीडिंग को। नाउ द लास्ट न्यूज़ एंड नॉट द लीस्ट, Chandrayaan-2 पर। Chandrayaan-2 जो है अब मून के सतह के बहुत ही पास आ चुका है। इट्स मिशन हैज फर्दर होम्ड द ऑर्बिट ऑफ मून लैंडर विक्रम टू एज क्लोज एज 35 kilometers फ्रॉम द लूनर सर्फेस, शार्पली प्राइमिंग टू इट्स डिसेंट प्लान्ड अर्ली ऑन सैटरडे। मतलब सैटरडे तक Chandrayaan-2 मून के सतह पर लैंड कर चुका होगा। सो दिस वॉज द लास्ट न्यूज़ विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल। और अगर आपको लग रहा होगा कि एडिटोरियल बोर्ड से कुछ नहीं आया, तो एडिटोरियल बोर्ड में मेनली ऐसे टाइप टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। मीन्स अगर आपको उसके लिए भी चाहिए तो मैं रिव्यू दे सकती हूँ, बट वो मेनली ऐसे टाइप टॉपिक्स होते हैं और जनरल नॉलेज की कुछ चीज़ वहाँ से बहुत कमी आ सकती है। तो जो मेन जनरल नॉलेज की चीज़ें थी मैंने आपको वो कन्वे कर दिया है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको नोट डाउन करना चाहिए तो प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, और नहीं तो मैं आपके लिए कुछ और भी सोची हूँ। अगर मैं जैसे प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया करूँगी, आप उसको नहीं हो सके तो आप उससे भी देख सकते हो। तो थैंक यू गाइस फॉर सीइंग द फर्स्ट वीडियो ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, और धीरे धीरे करके अपने हैबिट को हम लोग बदलते हैं और रोज़ का अपना एक मीन्स नोटबुक तैयार करते हैं ताकि आपको बाद में UPSC के समय तैयारी करने वक्त कोई दिक्कत ना आ सके। तो थैंक यू गाइस फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून एंड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।